नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में जब भी हम SBI बैंक का यूज़र आईडी या फिर हम पासवर्ड फॉरगेट करते हैं या फिर हम जब इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हैं तो उस समय हमको लिखा मिलता है CIF नंबर इज़ इनवैलिड या फिर मिसमैच। आपको ये दो चीज़ें बताई जाती है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे CIF नंबर आपका गलत क्यों बता रहा है, इसका क्या कारण है और क्या इसका समाधान है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें समस्या क्या है और उस समस्या की जड़ क्या है अर्थात उसका कारण क्या है ये समझना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर आपको 6 से 7 कारण बताने वाला हूँ क्योंकि आपका यहाँ पर CIF नंबर क्यों आ रहा है यहाँ पर इनवैलिड। आपको अपना कारण पता करना है जो मैं आपको बता दूंगा, उसमें से आपका जो भी कारण हो उसका आप सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कारण नंबर वन, रीजन नंबर वन ये है कि यहां पे बैंक मर्जर, यहां पे आप सभी ने सुना होगा बैंक सारी है वो मर्ज हो जाती है यानी एक हो जाती है, परंतु यहां पे थोड़ा कुछ अलग हुआ इंटरनल पॉलिसीज के कारण। मैं आपको अपने एरिया की बताऊं तो यहां पे क्या था, पहले SBI की 2 ब्रांचेस थी और दोनों को मर्ज करके एक ही ब्रांच बना दिया गया। अब जो दोनों ही ब्रांचेस जब एक ब्रांच बन गई तो यहां पे समस्या क्या आई, जो पुरानी ब्रांच थी वहां पे जो इनके साथ मर्ज हुई थी उसमें से एक ब्रांच का क्या था, उनका जो CIF नंबर है वो गलत बता रहा है, उनको वापस से नई यहाँ पे पासबुक दी गई। जब नई पासबुक मिली तो उनको नया CIF नंबर भी मिला था। तो ध्यान यही रखना है, जब भी आपकी ब्रांच है वो मर्जर होती है तो आपका CIF नंबर है वो चेंज काफी हद तक हो जाता है और काफी लोगों का नहीं होता, उनके लिए बेनिफिट वाली बात है। दोस्तों कारण नंबर 2, जब भी आप अपना बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप ब्रांच से अगर नहीं करवाते, मान लीजिए आपने अपना अकाउंट है वो ब्रांच से ओपन नहीं करवाया, किसी और जगह से ओपन करवाया, CSC सेंटर से करवाया है या फिर किसी भी और सेंटर से, किसी भी लोकल शॉप से आपने अपना अकाउंट है वो ओपन करवा दिया है, तो जब भी आप अपना अकाउंट है वो ब्रांच से ओपन ना करवा के किसी थर्ड पार्टी से ओपन करवाते हैं तो उस समय आपको ये समस्या जरूर देखने को मिलेगी। वहां पे आपका CIF नंबर हर जगह वैलिड बताएगा, बट जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वहां पे आपका CIF नंबर इनवैलिड बताएगा। तो ये चीज आपको मैं बताना चाहूंगा आपके इसी कारण से, इसलिए आपको जो CIF नंबर के लिए आपको ब्रांच जाना होगा, ब्रांच से आपको अपना सही CIF नंबर आपको वहीं से मिलेगा जब भी आप अपना अकाउंट है वो थर्ड पार्टी से ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रीजन नंबर 3, कारण नंबर 3 है यहाँ पे आपका है ओल्ड पासबुक। काफी बार क्या होता है कि हमारी जो पासबुक है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है। जब दोस्तों आपके पास पासबुक है वो बहुत ज्यादा पुरानी है उस समय क्या होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बैंक में वो इंटरनल बदलाव आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी आपके ब्रांच है उस ब्रांच में जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज है वो दोस्तों हर साल कहीं ना कहीं अपग्रेड होती रहती है। आपको पता होगा अभी कुछ साल पहले यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, काफी लोगों को नई पासबुक दी गई थी, उनका अकाउंट नंबर तक चेंज हो चुका था, उनका CIF नंबर, उनका पूरा का पूरा डिटेल सारी चेंज हो चुकी थी। बट यहाँ पे मैं पूरी डिटेल की बात नहीं करूंगा, केवल और केवल आपके CIF नंबर की बात करूंगा। ये भी होता है बैंक की इंटरनल पॉलिसीज के कारण या फिर ब्रांच के यहाँ पे लोकल एरिया के किसी रीजन के कारण अगर आपका CIF नंबर चेंज होता है तो आपको लेटेस्ट पासबुक आपके ब्रांच से आपको लेनी होगी, पुरानी पासबुक में ये हमेशा समस्या बनी रहती है। दोस्तों रीजन नंबर 4 है वो है आपका अकाउंट। काफी बार क्या होता है, हमारा अकाउंट है वो लॉन्ग टाइम से यूज नहीं करते, मतलब आपका अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का अर्थ ये होता है कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाना, मतलब आपने काफी समय से लॉन्ग टाइम से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं और बैंक को लगता है कि अपना अकाउंट है वो यूज नहीं कर रहे, इसलिए बैंक उसको क्या करता है, इनएक्टिव स्टेज में डाल देता है। उस कैटेगरी में जब आपका अकाउंट चला जाता है उस समय भी आपका CIF नंबर इनवैलिड बताएगा। तो हमें क्या करना है, अपने अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं ताकि हमारा जो अकाउंट है वो वापस एक्टिव हो जाए। तो नंबर 5 वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग। काफी बार क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड फॉरगेट करते हैं और अपना यूजर नेम पता करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार ये सॉल्यूशन सही नहीं है। हो सकता है आप पहली बार ही रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करें तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपको वापस रजिस्टर करना है। अगर पिछली बार कोई भी समस्या होगी और मान लीजिए आपका यहाँ पे बार बार इनवैलिड बता रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिए आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके पास केवल केवल एक ATM कार्ड होना चाहिए और आपकी पासबुक होनी चाहिए, उसी के साथ आपका काम हो जाएगा। दोस्तों जो कारण नंबर 6 है, ये जो कारण नंबर 6 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा है वीडियो हमेशा पूरा देखें। यहाँ पे मैं आपको जो जरूरी जानकारी देने वाला हूँ वो यही है, क्योंकि काफी लोग क्या बीच में से वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, उनको ये पता तक नहीं होगा। जब भी आप अपना बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हैं फर्स्ट टाइम, याद रखिए जब भी आपने फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट ओपन करवाया था उस समय बैंक आपसे क्या करती है, अकाउंट का जो फॉर्म है वो फिलअप करवाती है। पर काफी लोग क्या करते हैं, अकाउंट का फॉर्म है वो खुद फिलअप ना करके यहाँ पे किसी और की मदद से फिलअप करवाते हैं, या फिर होता है आप अपने कर्मचारी को ही कह देते हैं, बैंक कर्मचारी को, वही आपका अकाउंट का फॉर्म फिलअप कर दे, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे जब भी आपका बैंक का कर्मचारी हो या फिर कोई आपकी मदद करने वाला हो जिसने आपको फॉर्म भर के दिया
किया हो, उसने सबसे पहली चीज रहती इंटरनेट बैंकिंग। उसने क्या करता है, इंटरनेट बैंकिंग वाला जो कॉलम होता है उसको टिक ही नहीं किया होता, जिसके कारण से क्या होता है, ब्रांच है वो आपका इंटरनेट बैंकिंग ब्रांच के थ्रू ही एक्टिव नहीं होता है। जब ब्रांच के थ्रू ही एक्टिवेट नहीं है, आपका जो CIF नंबर है या आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो ब्रांच के थ्रू ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको एक्टिवेट नहीं किया गया है इनिशियली, तो आप अपना यहाँ पे रजिस्टर कैसे करेंगे। रजिस्टर करने से पहले एक्टिवेशन आवश्यक है, और जो एक्टिवेशन है वो आपका ब्रांच के थ्रू होता है। और ये कब होता है, हर किसी के साथ ये समस्या नहीं होती, केवल उन्हीं के साथ होती है जिन्होंने जब अपना अकाउंट ओपन करवाया था उस समय अकाउंट ओपन करते समय जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म के अंदर इंटरनेट बैंकिंग को टिक नहीं किया था। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप अपना अकाउंट है किसी भी बैंक में ओपन करें तो वहां पर इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है सभी को टिक जरूर कीजिए। अब चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट बैंकिंग वो आपने एक्टिवेट नहीं किया था, आपने जो फॉर्म है वो सही से नहीं भरा था, वो आपकी गलती हो गई वो होगी, पर इसको सुधारना कैसे, इसका सुधारने का केवल एकमात्र तरीका, आपको ब्रांच से अपनी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवानी होगी। और अब ये साधारण रूप से एक्टिवेट नहीं होती, जैसे हम यहाँ पे घर बैठे बैठे ऑनलाइन न्यू रजिस्टर करते हैं, अब वो काम ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर बैंक में इंटरनेट एक्टिवेशन का एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म हमें फिलअप करना होगा, जब हम फॉर्म फिलअप करके उनको देंगे तभी वो एक्टिवेट करेंगे। अब दोस्तों कारण नंबर 7, जो 7वां रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये हमेशा नहीं होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है, वो है इनका CIF नंबर मिसमैच होना। वो मिसमैच होने का यही कारण रहता है कि आपका जो CIF नंबर है वो मिसप्रिंट हो चुका हो। काफ़ी बार ये होता है कि हम जब भी CIF नंबर है बैंक के ब्रांच से हमको मिला है उस समय यहाँ पे जब भी प्रिंटर से अगर कोई मिसमैच हो जाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाती है, तभी आपको मिसमैच का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। परंतु इसका भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जब भी आपकी पासबुक है वो अपडेट होती है तो आपको यहाँ पे CIF नंबर है वो सही करके मिल जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नई पासबुक अप्लाई कीजिए, बैंक से नई पासबुक लाइए, जब आप नई पासबुक लाएंगे तो आपको सही CIF नंबर मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको जल्दी है, मतलब आप पासबुक के आने का इंतजार नहीं कर सकते और आपको जल्दी है, तो आपको क्या करना है, ब्रांच से वही चीज आपका कॉमनली ब्रांच को पूछिए आपका CIF नंबर क्या है, वो आपको बता देंगे सही CIF नंबर। और फिर भी याद रखिए, अगर आपका पासबुक का और ब्रांच ने दिया CIF नंबर दोनों CIF नंबर अगर मैच हो रहे हैं और फिर भी अगर आपको यहां पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए समस्या आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि आपने जब भी अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा था उस समय इंटरनेट बैंकिंग पे टिक नहीं किया था। इसलिए आपको एक्टिवेशन के लिए अलग से फॉर्म भर के बैंक को देना होगा। सिंपल फॉर्म होगा, यहां पे इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन करके फॉर्म मिलेगा, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और ब्रांच से भी मिल जाएगा, वही फॉर्म आपको फिलअप करना है। और अब की बार कोई गलती नहीं करनी, अब की बार कंप्लीटली आपको सही फॉर्म फिलअप करना है और बैंक को सबमिट कर देना। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैंने आपको सारे कारण बता दिए और सारे कारण के क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज समस्या है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। और ध्यान में रखिए, जब भी आप CIF नंबर कहीं पे भी लिख रहे हो, कहीं पे भी आपको आवश्यकता है, अगर वहां पे इनवैलिड बता रहा है तो मैंने आपको बता दिया क्या समाधान करना है। परंतु जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग में अगर आपको ये समस्या है तो इसका मतलब यही है कि आपको ब्रांच से अपनी इंटरनेट बैंकिंग पहले एक्टिवेट करवानी होगी, उसी के बाद आप अपना इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।